नमस्कार साथियों, श्री राजीव त्यागी जी के आकस्मिक निधन के पश्चात आप में से कई साथियों ने हमें ये सुझाव दिया कि हमें इन डिबेटों में भाग ही नहीं लेना चाहिए। पर साथियों, आज मैं इससे भी बड़े मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह है टीवी पर होते हुए वर्बल वॉयलेंस का मुद्दा। साथियों, इसका शिकार सिर्फ इन डिबेटों में भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट्स ही नहीं होते हैं, बल्कि इनका नकारात्मक प्रभाव ऑडियंस के मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। इनका नकारात्मक प्रभाव देश के सोशल फैब्रिक पर भी पड़ता है। जब शाम को इन डिबेटों का प्रसारण किया जाता है तो हमारे बच्चे भी इन टीवी डिबेटों को देखते हैं। इसे देखने के पश्चात हमारे बच्चे क्या भाषा, क्या ज्ञान, क्या प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखते होंगे, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जब वह देखते हैं कि इन डिबेटों में पार्टिसिपेंट्स शांति से, तर्कों से अपनी बात कहने की बजाय एक दूसरे पर पर्सनल रिमार्क्स करते हुए नजर आते हैं। इन डिबेटों के टॉपिक्स इस प्रकार से चुने जाते हैं जो समाज में घृणा, बायस, असमानता, अंधविश्वास और वर्बल वॉयलेंस को बढ़ाएं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि ऐसे टॉपिक चुने जाएं जिसका हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। साथियों, इन डिबेटों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। क्या हमें इन डिबेटों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की मांग नहीं करनी चाहिए? आइए इस पेटिशन के जरिए सरकार से डिबेटों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की हम मांग करें, जिससे देश में डिबेट नॉलेज क्रिएशन का, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन का माध्यम बने, ना कि वर्बल वॉयलेंस का। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस पेटिशन पर अधिक से अधिक संख्या में साइन करें और इसे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।